विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, जगह जगह उनने जब सम्मान किया, पैसे बांटे, कपड़े बांटे, तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बोला कि हमारे शहर के सब संभ्रांत लोग हैं, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। आचार संहिता के बाद भी ये हुआ, लेकिन कई दिनों से, दो चार दिन से पता चल रहा था कि गांव-गांव में लड़कियों को भेज के मशीन बांटने का और ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन है, प्रलोभन देने के लिए। एक महीना से लगातार प्रलोभन दे रहे हैं हमारे वोटरों को। मैं कहना चाहती हूँ कि छतरपुर विधायक इतने घबराए हुए हैं, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, सामने आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के अदालत में जाना चाहिए। आप 5 साल यहाँ के विधायक रहे हैं, जनता के अदालत में पहुँच के वहाँ जाके वोट मांगना चाहिए। आप लगातार ये काम कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करना, लड़कियों को भेजकर और साड़ियाँ भेजना, सामान भेजना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और ये इतने डरे हुए हैं, लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कितने ही चाहे उद्योगपति आप हो, ये नहीं चलता। इतने डरे हुए हैं कि ये लगातार प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। वो इस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या है मैं नहीं कहना चाहता। वो प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी जब मुझे प्रत्याशी घोषित कर देगी तो मैं अपना उस तरह के बयान, जिस तरह के वो बयान दे रही, मैं नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जो उचित लगता है, मैं अपने लोगों से भेंट मुलाकात कर रहा हूँ। ये इसको सम्मान कहें या इस मिलना जुलना कहें, ये अपनी कार्रवाई में जारी रखें। ओरछा थाना क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित एक शिकायत मिली थी, जिसमें FST टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या सामान पाया गया अभी? अभी उसकी गणना चल रही है और देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां और कुछ मशीनें वगैरह मिली हैं। FST टीम कार्रवाई कर रही है, उसके बाद पूरी कार्रवाई करके जानकारी।